आदमी, पाकिस्तान की तारीख में आज का दिन एक स्याह दिन है और ये वो दिन है जब पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन खातून रहनुमा बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया, उन पर खुदकुश हमला किया गया और उनकी शहादत हो गई। उनके हवाले से कुछ किताबों में 16 साल बाद भी इंकशाफात किए जा रहे हैं और वो बड़े अहम इंकशाफात है। BBC ने एक रिपोर्ट शाया की है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इमरान खान के इलेक्शन लड़ने की उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी तोशाहाना केस में इमरान खान की सजा को ख़त्म करने की दरख्वास्त को एंटरटेन करने से, सुनने से, समाप्त करने से न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि बाकायदा झाड़ पिला दी। और लगता यूँ है कि जस्टिस काजी फायसा की गैर मौजूदगी में PTI जिस तरह अदालतों से रिलीफ ले रही थी और अजीद रिलीफ लेने की कोशिश कर रही थी, अब उसको फुल स्टॉप लग गया है। वजह क्या है मैं आपको बताऊंगा। पिछले 24-48 घंटों में एक बहुत बड़ी चेंज भी आई है और अचानक PTI पर कुदरत मेहरबान हुई, तो क्या अचानक हुई या किसी मकसद के तहत हुई? और क्या जो इमरान खान और उनकी जमात को रिलीफ मिल रहा है वो रिलीफ जो है वो अदालती और कानूनी तरीक़ेकार और आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक मिला या ये किसी के लिए पैगाम था? तो ये मैंने आपकी आंखें खोल ली हैं कि जनाब हो क्या रहा है और उसका नतीजा ये कि शाह मुकेशी को सुप्रीम कोर्ट से तो जमानत मिल जाती है लेकिन वो GHQ हमला केस में गिरफ्तार हो जाते हैं। GHQ हमला केस वो है जिसमें कम अज़ कम सजा भी सजाए मौत है। तो शाह मुकेशी अडयाला जेल से निकल कर अब पुलिस के मेहमान है और उनकी जिस केस में गिरफ्तारी हुई, बल्कि एक नहीं दो केसेस में गिरफ्तारी हुई है, इनका तल्लुक 9 मई के हवाले से है और इन केसेस की जो अल्टीमेट पनिशमेंट है वो सजाए मौत या फांसी है या उम्र कैद है। तो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक केसेस में शाह मुकेशी कुरैशी गिरफ्तार हो गए। तो ये ऐसे ही है, सर मुड़ाते ही ओले पड़े। आज उनकी जमानत हुई थी, जमानत तो कल हुई थी लेकिन कल उनकी नज़रबंदी का ऑर्डर जारी किया गया। आज पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त की कि जनाब नज़रबंदी का ऑर्डर वापस ले, क्योंकि ये मामला अदालत में जा रहा था, वहाँ चैलेंज हो जाना था। तो अदालत के हुक्म से पहले पहले पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर से वो ऑर्डर वापस कराया और जाके शाह कुरैशी को जेल से निकलते ही चुक लिया और बाकायदा उनकी दौड़ें लगवाई और उनको दौड़ते हुए बख्तरबंद गाड़ी में सवार कराया। और शाह कुरैशी को लग पता गया होगा किस तरह पुलिस जो है अगर गिरफ्तार करे यानी जेल के बाहर से तो किस तरह दौड़ाती है। तो वैसे तो ज्यादती है, शाह कुरैशी की उम्र बड़ी ज़्यादा है और उनके साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए, वो पाकिस्तान के बड़े सियासतदान है। लेकिन कम देखो ना कि वजह पाए ने और उससे लातलुकी का ऐलान भी नहीं कर रहे, ना साइफर केस से खुद को शाह कुरैशी ने डिसोसिएट किया है, ना 9 मई से खुद को डिसोसिएट कर रहे हैं। तो फिर अगला की करें? तो अगला तो यही करेगा ना, फिर उठा के अंदर बंद कर देगा, क्योंकि 9 मई के मुलजमान की माफ़ी नहीं है। थोड़ा बहुत रिलीफ लेने की जो हमें एफर्ट नज़र आई वो आपके सामने है। एक और बड़ी खबर है, DGISI आधी रात को किससे मिले, और ये मौजूदा DGISI नहीं है, एक सबक DGISI के हवाले से खबर आई है कि उन्होंने आधी रात को एक बहुत बड़े यानी लीडर को मिलकर उन्हें बताया कि आपके खिलाफ क्या साजिश हो रही है। तो ये कौन थे इस पर बात करेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया और 22 सफात के फैसले को जस्टिस काजी फैज ईसा ने लिखा है, खुद वो छुट्टियों पर है। लेकिन कल जड़ी वारदात पाई ना पेशावर हाई कोर्ट ने, वो उन्होंने इसलिए डाली कि इस केस का तफसीली फैसला नहीं आया था। जो नया प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट में ये केस सिंगल बेंच सुन ही नहीं सकता था, ये केस डिविजनल बेंच को सुनना था। लेकिन चूंकि तफसीली फैसला नहीं आया हुआ था, पार्लियामेंट ने हालांकि ऑर्डर किया हुआ है, तो इस तफसीली फैसले में क्या कुछ है वो आपको बताएंगे। लेकिन ये भी एक वारदात डाली गई या डालने दी गई और उसको आज लग गया फुल स्टॉप। और इसके अलावा कुहाड़ में एक RO इरफान मरवत को क्यों हटा दिया गया। इसके अलावा एक बड़ा ही ट्रेंड चल रहा है, नौरीन रो रही है। तो ये नौरीन कौन है जिसका ट्रेंड चल रहा है, ये कहाँ पाई जाती है और ये क्यों रो रही है और इस पर PTI वाले क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी की बेटी भी दुहाई दे रही है, बल्कि मजहबी कार्ड खेल रही है, कहती है अब्बा जी पीर ने। तो PTI बुनियादी तौर पर पीर फकीरों की जमात है, हम तो पीर फकीरों की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन वो असली हसबी नसबी हो तो उसमें कोई शक नहीं है। अब शाह महमूद कुरैशी के बारे में किसी को डाउट नहीं है कि वो सजादा नशीन है, उनके गौसिया सिलसिला है और उनके अब्बा पीर हैं, उनके भाई से उनकी लड़ाई होती है एक अलग बात है, लेकिन वो अब्बा पीर है, डब्बा पीर नहीं है। दूसरे जो है वो डब्बा पीर बने हुए हैं, यानी उनकी अहलिया वो भी पीरी मुरीदी में कदम रखे हुए हैं और साहब जो है वो उनकी पीरी मुरीदी की वजह से प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो उनकी जो है वो अपनी जगह पर कारोबार चल रहा है, उनकी दुकान अपनी जगह पर चल रही है।
तो बताना मैंने आपको ये है कि दो टाइप की यानी टू ट्रैक पॉलिसी चल रही है। एक ये है कि पीटीए को रिलीफ दिया जाए और जो उनके मुखालफिन है उनको अंडर प्रेशर किया जाए। दूसरी जो चल रही है कि पीटीए के लोगों को इलेक्शन लड़ने से रोका जाए और उनके कागजात नामजदगी मंजूर ना होने दिए जाए और अगर जहाँ पे हो रहे हैं वहाँ पे उनके साथ खिंचातनी की जाए। आज इमरान खान और फवाद चौधरी पर भी फर्द जुर्म लगनी थी तोहीन इलेक्शन कमीशन केस में और इलेक्शन कमीशन ने अडयाला जेल में इसका ट्रायल किया, लेकिन ये फर्द जुर्म आज आयद नहीं हो सकी क्योंकि आज और बड़े काम पड़ गए हैं। तो पीटीआई का जो बुनियादी इस वक्त स्ट्रेटजी है कि जल्दी जल्दी करो कि काजी ना आ जाए, तो वो काजी फायज ईसा के दोबारा चीफ जस्टिस के मनसब संभालने से पहले पहले अदालतों से रिलीफ लेने जा रहे हैं और कुछ अदालत ने उन्हें रिलीफ दिया भी, पेशावर में रिलीफ मिल गया, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत कर दी, लेकिन ये जमानत उनके उल्टा गले पड़ गई है। शाह कैशी की जमानत ना होती तो वो साइफर केस में गिरफ्तार रहते और उस केस में अब कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी सजा का इम्कान नहीं रह गया, लेकिन वो अब फंस गए हैं 9 मई के केसेस में जिसकी सीधी सी सजा फांसी है। तो अब वो कैसे निकलेंगे? तो सबसे बड़ी खबर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के खिलाफ तोशाना फैसला मुतली की दरख्वास्त जो है वो फौरी तौर पर सुनने से मदद कर ली। पहले तो उन्होंने कहा जी बेंच ही नहीं है और दूसरा उन्होंने बताया कि ये तो जो फैसला किया है डिविजनल कोर्ट ने, डिविजनल बेंच ने फैसला किया है, वो हम तो नहीं है डिविजनल बेंच, जो उन्होंने फाइंडिंग्स दे दी हैं उस फाइंडिंग के मुताबिक उन्होंने सजा सुना दी है। और ये भी बता दिया कि नाहली ख़त्म करने की जो दरख्वास्त दी गई है, जो ये नाहली का फैसला है वो सज़ा मुअत्तल करने से ख़त्म नहीं होता। तो खास साहब बदस्तूर डिसक्वालीफाई नाहल है। वैसे तो उनके कागजात नामजदगी पे भी जगह जगह इतराज लग रहे हैं, मरीम नवाज के कागजों पे भी इतराज लग गया है, बैलेंस एक्ट हो रहा है ना तो वहाँ भी इतराज लग गया है, और अली मादल शेख वो तो फारिग ही हो गए, जैसे जरताज गुल फारिग हो गई है। किसी और प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन लगा गया है। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि किस तरह टू ट्रैक पॉलिसी पर दोनों खेल रहे हैं, हुकूमत भी खेल रही है, ताकत और हल्के भी खेल रहे हैं, बाकी सियासी जमातें भी खेल रही हैं, और इस वक्त जो है फ़ज़ा बड़ी अजीबोगरीब बनी हुई है। लेकिन एक खबर आपको हम देता चलूं कि मुस्लिम लीग नून ने यह अनाउंस किया कि उनकी इंतहाबी मुहिम का आगाज़ 10 जनवरी से होगा। तो 10 जनवरी से 8 जनवरी तक तकरीबन एक महीना से कम कुछ दिन बनते हैं, तो वो समझते हैं कि एक महीने की कंपेन काफ़ी है, उससे पहले पहले वो बुनियादी चीज़ें मुकम्मल कर रहे हैं, उम्मीदवारों का इंतखाब, उन्हें टिकटें देना, उनके वहाँ पे वेयर बॉक्स को चेक करना, फीडबैक लेना, तो ये सारा काम उन्होंने कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो केस, तो ये सारा काम उन्होंने कर लिया। अब उन्होंने 10 जनवरी को अपनी पॉलिटिकल कंपेन शुरू करनी है। पीपल पार्टी आज लाड़काना से बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौके पर अपनी पॉलिटिकल कंपेन का आगाज़ कर रही है। पीटीआई तो बड़ी देर से पॉलिटिकल कंपेन कर रही है, रोज़ जलसा, रोज़ उनके जुलूस निकलते हैं, लेकिन निकलते कहीं ऐसी जगह जहां पे वो कहते हैं गुप्त जगह, नामालूम जगह। तो आज जो चीफ जस्टिस कायम मुकाम चीफ जस्टिस है सरदार तारिक मसूद, उनके सामने एक दरख्वास्त आई और कहा गया जी कि हमें फौरी इंसाफ दिया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, और इमरान खान साहब की जो तोशाखाना केस में सजा सुनाई गई है वो फैसला आप मुअत्तल करें, वो सारी प्रोसीडिंग मुअत्तल करें, ताकि इमरान खान जो है वो एक दफ़ा फिर मासूम, सादक, अमीन, सब उनके ऊपर जो दाग है वो धुल जाए और उनके ऊपर नई स्टंपें लग जाएँ। और बेंच में जाहिर है वो बैठे थे जस्टिस अतर मनिल्ला, और उनसे ये उम्मीद उन्हें रहती है कि जस्टिस अतर मनिल्ला उन्हें कोई ना कोई बेनिफिट देंगे, कोई ना कोई रिलीफ देंगे, लेकिन वो देते हैं इंसानी हकूक के वाले से, जहाँ पे हकूक की पामाली हो। तो इस केस में उन्होंने कहा कि जो आपकी दरख्वास्त है, एक तो ये डिविज़न बेंच ने फैसला दिया, तो उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि हाईकोर्ट का फैसला डिविजनल बेंच का फैसला है और इस हफ्ते 3 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं है, और ये डिविजनल बेंच का फैसला कम से कम 3 रुकनी बेंच सुनता है या 5 रुकनी बेंच। वकील ने कहा कि जनाब तोशाखाना केस में अगर 30 दिसंबर से पहले पहले हमें रिलीफ मिल गया तो इमरान खान इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो जस्टिस अतर मनिल्ला ने रिमार्क्स दिए कि सजा मुअत्तल होने पर पूरा फैसला मुअत्तल हो जाए, ऐसी कोई नज़ीर नहीं है, कोई मिसाल नहीं है, आप एक ऐसी चीज़ चाहते हो पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। जिस पर वकील ने कहा कि जावेद हाशमी केस में ऐसा हो चुका है, तो जस्टिस अतर मनिल्ला ने वकील को मुखातब करते हुए कहा कि आप मेरिट्स पर न जाएं, केस 3 रुकनी बेंच ही सुन सकता है, इस्लामाबाद में 3 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं है, हमारे पास अभी छुट्टियों में 3रा जज नहीं है, अभी हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल भी हो जाए तो फ़ायदा नहीं है। ये है मैंने कल जो आपको बताया था कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया तो फ़ायदा नहीं है,
डिविजनल बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट का तीन रुकनी कम अज कम बेंच ही मुअत्तल कर सकता है, कालादम कर सकता है। ऐसे निकल दिया मिठाइयाँ जिहड़ियां ना वो बोह मार गई ने, मिठाई बांट नहीं सके तो फिर उन्हें बो ही मारनी थी मिठाइयों ने। तो उन्होंने कहा कि आप मेरिट्स पे ना जाएं, छुट्टियों में जज नहीं है और जब आएंगे चीफ जस्टिस साहब तो बात सुनेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड देने के मामले पर कल इस दरख्वास्त को सुनने का फैसला किया। तो उसमें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत का इल्ज़ाम आयद किया गया, तो कायम कम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त कल शायद हम सुन लें, कल तक लग जाए। और बाकी उन्होंने कहा कि जो अपील छीनने पर पीटीए वकला को दरख्वास्त देने की हदायत करते हुए कहा कि आपकी कोई दरख्वास्त हमें अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर, तो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से अदालत ने यह भी कहा कि कोई दरख्वास्त हमें अभी तक बाज़ाब्ता मौसूल नहीं हुए, एक दरख्वास्त दे हम इंतजामी साइड पर एसपी को इंक्वायरी का कह देते हैं। तो ये तरीके इंसाफ के हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। और दूसरी डेवलपमेंट हुई शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, तो पीटीआई बड़ी जल्दी जल्दी में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर रही है। उनका ख्याल ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर साइफर केस में इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को जमानत दे दी है तो ये बहुत बड़ा फैसला है, यकीनी तौर पर ये छोटा फैसला नहीं है। और इस फैसले का मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तरीके साहब को इलेक्शन लड़ने के लिए रिलीफ देने पर तैयार है। तो इसीलिए धड़ाधड़ दरख्वास्तें दी जा रही है। तो जस्टिस काजी फैसल जो छुट्टियों पर गए हुए हैं उनकी गैर मौजूदगी में आज इमरान खान साहब का केस भी लगाने की कोशिश की गई जो कि नाकाम हो गई और जज साहब ने झाड़ दिया। उन्होंने कहा दो मिनट में केस उड़ जाएगा अगर आप मेरिट्स पर जाएंगे थे, और ये भूल जाए कि किसी को अगर सजा हुई है तो फिर हम उस सजा को मुअत्तल कर दें, ऐसी कोई माजी में नज़ीर नहीं मिलती। तो ये उनका जो मामला है आज उड़ गया। साबिक वज़ीर दाखला फैसल साले हयात उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार कर लिया। कल मैंने आपको एक्सक्लूसिवली ये खबर दी थी कि वो आज मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने वो मुस्लिम लीग काफ के बड़े आम रहनुमा रहे हैं और मुशर्रफ दौर में वो वज़ीर दाखला थे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर शहबाज शरीफ खुद गए झंग और वहाँ उन्होंने शाह जोना में फैसल साले हयात से मुलाकात की और उन्होंने फैसल साले हयात को दावत दी के जनाब साढ़े नाल मिल जाओ। और फैसल साले हयात 2018 में कौमी असम्बली के हल्का एनए 114 से इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया था और 1,00,000 से ज़ायद वोट उन्होंने हासिल किए थे। वो पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़े थे लेकिन वो सीट नहीं निकाल सके। तो हूँ देखना कि वो सीट कट सकते हैं कि नहीं कट सकते। उनके मुकाबले में आपको पता शाह जोना में बेगम आबदा हुसैन या उनकी फैमिली में से कोई इलेक्शन लड़ता है, उनकी बेटी सुगरा माम या कोई और इलेक्शन लड़ सकता है। तो ये अब वहाँ पे मुस्लिम लीग नून वर्सेस मुस्लिम लीग नून जो कि बाद में वो पीटीए में शामिल हो गए, तो अब मुस्लिम लीग नून की जो खाली वहाँ पे सीट है उसको उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है और ये एक बड़ी सीट एडजस्टमेंट हो गई है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर एक नए और अजीबोगरीब ट्रेंड ने तूफान बरपा कर दिया हुआ है। ये कल यानी मंगल के रोज़ एक हैशटैग जो है वो ट्विटर एक्स पर पोस्ट किया गया, उसके बाद हज़ारों अफराद इस एक्स पर पोस्ट कर चुके हैं जिनमें ज़्यादातर पीटीआई के हामी हैं। बहुत से ऐसे अफराद हैं जो कि इस बात से लाइल में कि ये क्या ट्रेंड चला है कि नौरीन रो रही है और नौरीन कौन है। कम से कम वो 2.25 लाख पोस्टें हैं जिनमें हैशटैग नौरीन रो रही है इसका इस्तेमाल हुआ है। बहुत से अफराद यूट्यूब पर भी इसकी पोस्टें कर रहे हैं, लोगों ने इसके ऊपर बात भी की है। अब ये नौरीन रो रही है का ट्रेंड क्यों बना, ये कौन साहिबा है? इसका आगाज़ इस वक्त हुआ जब एक साफ़ी हसन अयूब ने ARY न्यूज़ पर एक प्रोग्राम के दौरान ये कहा कि नौरीन रो रही है। और नौरीन वो है जिन्होंने जो पीटीआई की कारकुन है और वो समझती है कि उसको मौका मिलना चाहिए था, वो 1990 से जो है वो पीटीए के साथ है लेकिन उसको पीछे धकेल दिया गया है। और पीटीए में जो कल लोग आए हैं उनको चेयरमैन बना दिया गया, तो पुराने कारकुनों को नज़रअंदाज किया गया है। तो नौरीन फारूक जो पुरानी कारकुन है इसलिए वो रो रही है। जो नौरीन फारूक खान वो रो रही है, वो कहती है मैंने पूरी जिंदगी अपनी 1999 से अभी तक मैं आज तक 2024 तक जो है ना 23 तक मैं पीटीए में रही हूं। तो जो बंदा 2020 में आ रहा है वो पीटीए का चेयरमैन बन रहा है, ये इमरान खान साहब का गलत फैसला था। और नौरीन फारूक ये भी हमारी बहुत पॉलिटिशियन भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और मेरा ख्याल 1999 से पीटीआई का हिस्सा है। हमारे साथ तैयब साहब हैं जो कि हमारे अब हसन अयूब कह रहे हैं कि 1999 से 2024 तक वो सारी ज़िंदगी पीटीआई के साथ रही है लेकिन 2020 में पीटीआई में शामिल होने वाला बैरिस्टर गौहर चेयरमैन बन गया, ये इमरान खान का गलत फैसला है। 99 से मैं पीटीआई में हूँ और मेरा ख्याल है
जो बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट है, 12 मई का इंसिडेंट हुआ, उस वक्त मैं कराची में एज अ सिंध की प्रेसिडेंट रोड पे खड़ी थी। उसके बाद 27 मई को इमरान खान को कराची आने से रोका गया। आई वॉज द वन हु वॉज हेल्ड और फिर मैं हवालात में बंद रही। सारी जिंदगी इमरान खान ने जो है ना अपने फैसलों की वजह से बहुत सारी गलतियाँ की हैं, और अभी भी जो ये फैसला किया है कि एक बंदा जो 2018 में पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ता है और तीर के निशान पे, और 2020 में वो आके पार्टी ज्वाइन करता है, हाउ कुड ही गिवन अ पार्टी टू हिम। चले उनकी जो थे मेन टीयर लीडरशिप, मेन टीयर में तो मैं भी हूँ, लेकिन वही बात है कि हमेशा ज्यादती हुई है, क्योंकि मेरी शराफत और ईमानदारी ही शायद सबसे बड़ा मेरा कसूर है। इसके बाद जो है वो नौरीन फारूक खान के वाले से एक और वीडियो शेयर की गई, और उसमें गवर्नर पंजाब जॉर्ज सरवर जब मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा बने थे तो उन्होंने इसका नाम लिया कि ये हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा बनने जा रही हैं। नौरीन फारूक खान पंजाब में पीटीआई की सबक सेक्रेटरी रह चुकी हैं और 12 मार्च 2023 को वो मुस्लिम लीग काफ में शामिल होने का ऐलान किया गया था, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थी। ऐलान गवर्नर उस वक्त के सरवर ने किया था लेकिन वो मौजूद नहीं थी, और उसके बाद भी कभी वो पीटीए का हिस्सा नहीं बनी। तो ये गवर्नर सरवर ने जो है वो अजहरुद्दीन का नाम अनाउंस कर दिया था कि जी हमारे साथ है, लेकिन उनके साथ कभी नहीं थी। और नौरीन फारूक ये भी हमारी बहुत पॉलिटिशियन भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और मेरा ख्याल 1999 से पीटीआई का हिस्सा है। उन्होंने कहा उन्होंने कभी भी पीटीआई नहीं छोड़ी, और अब भी वो पीटीआई के लेबर विंग की इंफॉर्मेशन की सेक्रेटरी थी, और इंटर पार्टी इलेक्शन को उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने चैलेंज कर रखा है। तो ये अकबर एस बाबर के बाद दूसरी खातून है जिन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन को चैलेंज किया हुआ है, जिस पर कल बैरिस्टर अली जफर ने कोर्ट के अंदर ये कहा था कि जी इनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, जो भी लोगों ने इनको चैलेंज किया, तो मैंने कहा था ये झूठ बोल रहे हैं। तो आज नौरीन फारूक खान सामने आ गई, उसकी वीडियो सामने आ गई और वो रो रही है, और इस पर पीटीआई वाले जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं कि नौरीन तो मुस्लिम लीग काम में चली गई थी, अब ये क्यों रो रही है। अच्छा, वो ये भी कह सकते थे कि रोंदी यारा नू ले ले ना परावा दे, तो बहरहाल ये उनके घर की बात है। नौरीन के साथ हमें हमदर्दी है, और बाकी नौरीन ने तो बहुत से लोगों के जज्बात की तर्जमानी की है ना। ये हकीकत है कि बहुत से लोग पुराने जो कारकुनान हैं उनमें से किसी को अगर आप बना देते इमरान खान तो इनका जो पॉलिटिकल कदम बढ़ जाता, लेकिन वकील को बनाने का मतलब जो है वो मैंने आपको बता दिया था कि वो किसी की फरमाइश पर बनाए गए हैं, और इमरान खान ने बहुत सी चीज़ों के ऊपर गिव अप कर दिया हुआ है, वो सरेंडर कर चुके हैं, तो जो उन्हें कुछ कहा जाता है वो उस पर अमल करने के लिए तैयार है, क्योंकि जान छुड़ा नहीं है, और जान जो है वो नहीं छूट रही किसी भी तरीके से, क्योंकि वो ये कहते हैं कि आइए होर डू मोर, तो अभी इमरान खान से डू मोर का मुतालबा जारी है। गो के वो कह चुके हैं वो बाहर जाने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी गारंटी कोई नहीं दे रहा। गारंटी हम लोग की मांगते हैं ना कि जनाब गारंटी दो, तुम बाहर चले गए तो बाहर जाके कोई गंद नहीं पाओगे, ये आपने बताना हमें। तो एक और बड़ी खबर, वो बेनजीर भुट्टो की आज 16वीं बरसी है, तो उनके हवाले से बीबीसी ने एक रिपोर्ट शाया की है मुख्तलिफ किताबों के हवाले देकर। उन्होंने कहा कि 26 दिसंबर 2007 की रात जब बेनजीर एक लॉन्ग ड्राइव के बाद इस्लामाबाद के जरदारी हाउस पहुंची तो वो बहुत थक चुकी थी, लेकिन आईएसआई के सरबरा मेजर जनरल नदीम ताज उनका पैगाम उन्हें मिला कि वो काम के सिलसिले में उनसे मिलना चाहते हैं। तो बेनजीर ने ये फैसला किया कि वो कुछ घंटे आराम करेगी, उसके बाद मुलाकात करेगी। तो ये मुलाकात रात को 1:30 बजे हुई, तो उस वक्त के DGI नदीम ताज जो है वो मिले बेनजीर से, वो सारी रात जागते रहे, और वो उन्होंने मिलकर उन्हें बताया कि आपकी जान को बड़ा ख़तरा है और आपको असैसिनेट कर दिया जाएगा। तो बेनजीर ने कहा कि आप मेरी जान बचाएँ, हिफाजती इकदाम करें। तो उन्होंने कहा कि ये नामुमकिन है, क्योंकि इससे वो जो हमारे सोर्सेज हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको सेव किया जाए, लेकिन अगर आप कैंसिल कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो नदीम ताज ने बताया कि जनाब आपको 27 दिसंबर को कोई कत्ल करने की कोशिश करेगा, और नदीम ताज को अपने सोर्स का इतना यकीन था कि वो खुद रात को जाके मोहतरम बेनजीर भुट्टो से मिले, लेकिन बेनजीर भुट्टो ने समझा कि उन पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि कल की रैली कैंसिल कर दें। वो समझती है थे मुशर्रफ उनकी वापसी से खुश नहीं है और वो इस्लामाबाद की रैली कैंसिल कराना चाहता है। अब इसकी जो प्लानिंग थी इस बात के बावजूद कि बेनजीर ने कहा कि सिक्योरिटी लगाए, उन्होंने कहा हम लगा देंगे, एक और किताब जो है बेनेट जोन्स ने लिखी है, वो कहते हैं कि जब बेनजीर जनरल ताज से मिल रही थी तो उस वक्त कातल उनके कत्ल की हतमी तैयारी कर रहे थे। तालिबान का जो हैंडलर था
वो दो खुदकुश हमलावरों को लेकर आया, एक का नाम बिलाल और दूसरे का इकरामुल्ला था, और इसी दौरान दो इनके फैसिलिटेटर थे जो कि रैकी कर रहे थे जगह की, जलसे की और रूट की। तो इन्होंने फैसला ये किया था कि बेनज़ीर भुट्टो को जलसे से वापसी पर असैसिनेट किया जाएगा। इसके अलावा इन दोनों अफराद को असला भी दिया गया, हैंड ग्रेनेड भी दिया गया, और उसके बाद जो इन्होंने जूते पहने हुए थे ट्रेनर जूते, ये तालिबान जो है वो मोन स्पोर्ट्स शूज़ और या ट्रेनर जूते पहनते हैं, तो इतनी एहतियात की गई कि जूते तब्दील करवाए गए और चप्पल पहनाई गई ताकि इनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके और ये पकड़े ना जा सके। उसके बाद फिर ये सारा मामला हुआ जब वो लियाकत बाग से जाने से पहले उन्होंने हामिद करज़ई से भी मुलाकात की थी, और शाम को उन्होंने जब वो गई हैं तो उनकी वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज थी, वो एक सफ़ेद रंग की लैंड क्रूजर में थी और उनकी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी वो मर्सिडीज थी, वो उनके पीछे चल रही थी। उनमें सामने वाली सीट पर जवेद रहमान ड्राइवर, दाएं जानब सेनेटर सुप्रिटेंडेंट पुलिस मेजर इम्तियाज हुसैन बैठे थे, पीछे नाहिद खान, मखदूम अफीम बैठे थे, मखदूम फहीम बैठे थे, दरमियान में बेनज़ीर भुट्टो बैठी थी। लेकिन 2:15 पर जब ये काफिला फैज़ाबाद जंक्शन पर पहुँचा तो वहाँ पर पुलिस आ गई, उन्होंने टेक ओवर कर लिया, और जैसे ये VIP गेट तक पहुँची लियाकत बाग के, तो वहाँ पर बड़ी रुकावटें थी, उन्हें खड़ा किया गया वहाँ पर, और बेनज़ीर गाड़ी से बाहर आ गई और बड़ी देर जो है वो वहाँ पे हाथ लाकर लोगों को हेलो हाय कहती रही। उस वक्त भी बड़ी एक्सपोज थी, उस वक्त भी उन पर हमला हो सकता था, लेकिन उस वक्त उनकी जान बच गई। जब वो जलसा करके वापस आई है तो फिर तकरीबन 10,000 लोगों के सामने उन्होंने जलसा किया था, जब वापस निकली है तो क्राउड बड़ा था, तो पूरा एक मजमा था जो कि नारे लगा रहा था, तो बेनज़ीर भुट्टो अपनी गाड़ी में बैठी और फिर गाड़ी को लोगों ने घेर लिया तो वो खड़ी हो गई। हाई रूफ गाड़ी थी और सन रूफ थी, वहाँ से उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाला, और फिर जो बिलाल खुदकुश हमलावर था उसने सोचा कि दिस इज़ द राइट टाइम, तो उसने गाड़ी के सामने गया और सामने से उसने बेनज़ीर भुट्टो को 3 बुलेट मारे, जिनमें से एक उनको गोली शायद लगी, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या बाद की रिपोर्ट है वो कहती है कि बेनज़ीर भुट्टो जब तेज़ी से नीचे गिरी है तो उनको हैंडल लगा, उनके सर से खून बह रहा है। तो उसके बाद जैसे ही बेनज़ीर नीचे गिरी है उसने खुदकुश जो है वो जैकेट जो है वो फाड़ दी और उसमें मारा गया, और उसके बाद जो है वो गाड़ी के चारों टायर फट गए। बेनज़ीर को अस्पताल पहुंचने में ताखीर हुई, 34 मिनट के बाद वो अस्पताल पहुंचाई गई, वो भी पहले टैक्सी का इंतज़ार किया गया, उसके बाद शीरी रहमान की गाड़ी आई तो उसमें बिठाया गया। तो जब वो नीचे गिरी तो उनमें ज़िंदगी कोई रमक नहीं थी, गाड़ी के जो चारों टायर फट गए थे, तो फटे हुए टायरों के साथ ड्राइवर ने कोशिश की लेकिन वो नहीं पहुँच सका। तो ये उनकी जो पूरी एक बैकग्राउंड है, डॉक्टरों ने बचाने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं बच सकी। शाम 6:14 पर उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। तो इसकी पीपल पार्टी ने भी तहकीकात कराई और लोगों ने भी कराई, लेकिन इनके इनकी लाश का पोस्टमार्टम नहीं किया गया, जाए वकूआ धो दी गई, जिससे इसके जो यानी जो इसके इशारे हैं वो जनरल मुशरफ की तरफ जाते थे, और जनरल मुशरफ का वो नाम भी ले चुकी थी, चौधरी पुरेज़ अली का भी नाम ले चुकी थी कि वो उन्हें मारने की कोशिश कर सकते हैं, जनरल हमीद गुल का नाम भी उनमें शामिल था और ब्रिगेडियर जहाज शाही, चार लोगों का नाम एक ख़त में उन्होंने लिखा था कि मुझे ये मार सकती थी। तो एक और भट्टो इस असैसिनेट हुई, इससे पहले भट्टो साहब को ज़ुल्फ़िकार अली भट्टो साहब को फांसी लटकाया गया, मुर्तज़ा भट्टो को गोली मारी गई, शाहनवाज को जहर दिया गया, और बेनज़ीर भुट्टो रोड पर अपने ही अवाम के सामने कत्ल हो गई। ये वो सारी एक इसका बैकग्राउंड है, और इस बैकग्राउंड में जो आखिरी बात है वो ये कि जो किताब में लिखा हुआ है कि बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आने से पहले अमेरिका के शहर कोलोराडो में स्पेन जा रही थी, त्यारे में ज़ल्मे खलील ज़ायद वो जो अमेरिकी सफ़ीर है और उनकी अहलिया भी थी, तो त्यारे की मेज़बान ने बेनज़ीर को कहा कि तंदूर से बराह रास्त निकली ताज़ा ताज़ा कुकीज़ वो मैं आपको खिलाऊँ, तो बेनज़ीर ने कहा कि वो इन दोनों अपना वज़न कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन चंद सेकंड के बाद उन्होंने एयर होस्टेस को वापस बुलाकर कहा कि चलो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे चंद महीनों में मर ही जाना है। तो ये इस कौम की बहुत बड़ी लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन हुई, और की कमी को हम आज भी महसूस करते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में, अपना गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।